में महालक्ष्मी राजयोग का बड़ा धमाका। 30 जून से किन पर होगी धन वर्षा? बेशुमार दौलत देने वाली मंगल चंद्रमा की शुभकारी युति। अब की बार कौन सी 5 राशियां उठा पाएंगी फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस बार देखिए, ग्रह गोचर की इस स्थिति में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, और वो भी 30 जून को, और मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में। और इसी महालक्ष्मी राजयोग का फायदा कौन सी 5 चुनिंदा राशियां उठा पाएंगी आर्थिक तौर पर? आर्थिक तौर पर यानी कि किस तरह से महालक्ष्मी राजयोग आपकी तिजोरी भर सकता है, आकस्मिक धन लाभ दे सकता है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उसे सेल आउट करने जा रहे, तो वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो किस तरह से इस शुभ योग का निर्माण होता है और इसके फायदे कितने ज्यादा हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे महेंद्र जी से। बताएं महेंद्र जी। देखिए कविता जी, ज्योतिष में शुभ योगों में से एक है महालक्ष्मी योग। इंसान कहता है कि मैं इस राजयोग में क्यों नहीं पैदा हो रहा हूँ। जो बच्चे इस राजयोग में पैदा होते हैं, मैंने इतनी कुंडलियां देखी हैं, मेरा अनुभव यह कि उनको आजीवन इस राजयोग के चलते यानी कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्त होती रहती है। कुछ ऐसी किस्मत आपकी होती है कि आपको आय के साधन आपके बनते रहते हैं, चाहे आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, और व्यक्ति राजयोग जबरदस्त भोगता है। देखिए ज्योतिष में चंद्रमा जब जब मंगल के साथ युति करता है, यानी कि चंद्रमा हर 1.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है, और एक महीने में सभी राशियों में घूम के आ जाते हैं, और जब ये मंगल के साथ आते हैं तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है जी। इस बार ये महालक्ष्मी राजयोग खास क्यों है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये महालक्ष्मी राजयोग कविता जी मेष राशि में बनना है जी। जहां मंगल पहले से ही रूचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, और मेष राशि में कहना है कि दो मित्र मंगल चंद्रमा, दो परम मित्र मेष राशि में रहेंगे, तो यहाँ शुभ फलों की बरसात होगी। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि इन 5 राशियों को जबरदस्त धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इन 2.5 दिनों में व्यापार में अचानक से बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, आपकी सेल बढ़ेगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है, कोई असाइनमेंट आपको बड़ा मिल सकता है। अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, बड़ा लाभ इस समय मिलेगा। इस समय ये राशि वाले अगर कोई भी डील करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। तो महालक्ष्मी राजयोग में व्यक्ति आजीवन सुख ऐश्वर्य समृद्धि मान प्रतिष्ठा और उत्तम धन सुख भोगता है जी। चलिए इसी के साथ जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में जो इसका इस बार फायदा उठा पाएंगी 30 जून से। क्या लगता है पहले नंबर पर आप किस राशि को चुनेंगे? देखिए पहले नंबर पर कविता जी मेष राशि ही है, क्योंकि जहाँ चंद्रमा मंगल के साथ रहेंगे तो मेष राशि वालों को इन 2-2.5 दिनों में जबरदस्त काम कारोबार में लाभ मिलेगा जी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, घूमने फिरने के अवसर प्राप्त होंगे, इस दौरान आपके बिजनेस में मुनाफा अच्छा खासा होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपकी कहना चाहिए शोहरत बढ़ेगी। कोई ऐसा कार्य आपको इस समय दिया जाएगा, वो कार्य जो है आपके द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा, और आप उसको अपनी मेहनत से ईमानदारी से उसको हिट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सफलता की गारंटी है ये 1.25 दिन। बस करना क्या है, देखिए आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है। इन 1.25 दिनों में अगर आप कोई भी प्रयास करेंगे तो वो आप बेहतरी से करेंगे और सफलता मिलेगी आपको। दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर आती है कविता जी मेष राशि की बात कर्क राशि, जहाँ दशम भाव में ये योग बनेगा, तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग है कर्क राशि वालों के लिए। आपको कार्य क्षेत्र से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट के आसार जो बन रहे थे वो इस समय आपको शुभ समाचार मिलेगा, धन लाभ होगा, व्यापार में काम कारोबार अच्छा चलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कोई नई डील इस समय कर सकते हैं, किसी से मीटिंग है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई बड़ा फैसला लेना है, तो कर्क राशि वालों इस समय आप ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और ये उत्तम धन लाभ का संकेत भी देती हुई नजर आ रही है। इस समय कर्क राशि वाले वाहन प्राप्ति का सुख भी भोग सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है, अगर आप चाहते हैं तो इन 2 दिनों में वाहन भी ले सकते हैं जी। चलिए, तो अब तक महेंद्र जी ने जिन 2 राशियों के बारे में बताया उसमें से पहले नंबर पर मेष राशि ली, दूसरे नंबर पर कर्क राशि ली, तीसरे नंबर पर आप किस राशि को लेंगे? देखिए तीसरे नंबर पर कर्क राशि के बाद कविता जी नंबर आता है वो तुला राशि, क्योंकि सप्तम भाव में महालक्ष्मी राजयोग आपको उत्तम धन सुख की प्राप्ति करा रहा है, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको लाभ ही लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंगल यहाँ धन का कारक भी है
और पत्नी का कारक भी है, दोनों के सुख की प्राप्ति आपको होगी और खुद का आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ये समय सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। चौथी राशि आप किसे लेंगे? देखिए चौथे नंबर पर कविता जी जो राशि आती है मेरे हिसाब से वो है धनु राशि। धनु राशि वालों को इस समय परम सुख की प्राप्ति होगी, धनु राशि वालों के काम कारोबार में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि वाले जो वकील हैं और या कहना चाहिए कि वाणी से संबंधित प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उनको विशेष सफलता के संकेत हैं। धनु राशि वालों को इस समय व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा जी। और आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ढाई दिन का गोचर है धनु राशि वालों आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। तो बहन जी ने अब तक देखिए चार राशि के बारे में बताया जिन्हें इस महालक्ष्मी राजयोग का फायदा होगा। पांचवे नंबर पर कौन सी राशि है? देखिए पांचवे नंबर पर कविता जी एक राशि है जिसको इस समय जबरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आया, वो राशि वहां से छूट गई है बीच में, वो है मिथुन राशि। अच्छा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के एकादश भाव में ये योग बनेगा। अब एकादश भाव में कोई भी लाभ की स्थिति बनती है तो कविता जी बेहद शानदार रहती है। इन ढाई दिनों में मिथुन राशि वाले नई नौकरी ज्वाइन करनी है जी। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने हैं, कोई भी आपको प्रोजेक्ट में शामिल होना, कुछ भी कार्य करना है, नई शुरुआत, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। व्यापारियों को बड़ा जबरदस्त धन लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप देखेंगे आप जहां भी इस दौरान जाएंगे वहां लोग आपके हर कार्य की प्रशंसा करेंगे। कुल मिलाकर ये समय जो है मनोरंजन में भी बीतेगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे और सभी तरह के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। तो कविता जी महालक्ष्मी राजयोग के हैं जबरदस्त फायदे हैं। अब मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं जिसमें व्यक्ति महालक्ष्मी राजयोग में पैदा हुए हैं तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते हैं लेकिन उनके पास कभी धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि इस योग का सबसे ज्यादा फायदा यह रहता है कि लक्ष्मी का स्थायित्व रहता है हमारे पास, लक्ष्मी का वास हमारे पास रहता है, हमारा मन शांत रहता है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो है समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत अर्जित करते हैं। लेकिन चंद्र मंगल एक साथ होने से दो चीज व्यक्ति बनती है, व्यक्ति मांगलिक हो जाता है चंद्र कुंडली से, दूसरी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता हो जाती है क्योंकि मंगल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव आने से तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी क्रोधी स्वभाव के या कभी कभी थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं तो इस चीज से इनको बचना चाहिए। बाकी ये जो शुभ योग है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और आपको आजीवन इसका सुख भोगने को मिलता है। चलिए तो ये थे मिस्टर महेश शर्मा जी जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से 30 जून से बनने वाला यही महालक्ष्मी राजयोग आप लोगों के लिए यानी कि जो चुनिंदा पांच राशियां हैं उन्हें कितना फायदा देकर जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा जरूर। नमस्कार।